शिवराज सरकार ने कॉलेज जाने वाले छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की थी। इस योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक चेतन कश्यप ने योजना को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि स्मार्टफोन को लेकर और बेहतर योजना बनाई जा रही है। चेतन कश्यप ने जब पूछा कि छात्रों को स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं, तो मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि ये उनका विशेषाधिकार है कि वह किस तरह जवाब दें। उन्हें हाँ या ना में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ी। आपको बता दें कि शिवराज सरकार के समय उच्च शिक्षा विभाग ने ये योजना शुरू की थी और इसके तहत कॉलेजों में 75% उपस्थिति वाले लगभग 2.25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन बांटने थे। कमलनाथ सरकार ने इस योजना में करोड़ों रुपयों का घोटाला होने का आरोप लगाया था और इसकी जांच की बात भी कही थी।